मेरा करीमा तू मेरा निर्वात, तेरा सिर्फ कुछ में मेरा सिर्फ कुछ तू देख रहे हैं। कोई भी प्रकार के दिक्कत जब देशभक्ति कार्यक्रम होता है उन वीर शहीदों के लिए, शेखावत परिवार भी यहां पर हाजिर है, यहां पर आए हुए मेहमान अतिथिगण भी हाजिर है। मैं चाहती हूं जब मैं देशभक्ति गायन कर रही हूं, एक बार सभी लोग दूर दूर ना खड़े रहें, दूर दूर ना बैठे, क्योंकि कुछ कहने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, कुछ गाने के लिए आपका मन यहां पर होना, आपका भाव यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी रहता है। इतनी सारी, इतनी सुंदर व्यवस्था किए फिर भी लोग पीछे बैठे, इसका क्या मतलब है? मैं चाहती हूं, मैंने कहा था आज खुशियां देश में बहुत ही सारी हैं, तो मैं चाहती हूं आप सभी लोग मिलकर, आज की ये शाम, आज की रात बहुत ही खास है। पूरे देश भर में सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर दिनेश जी वीर सपूत जो हमारे बीच भारत माँ के इसे लाडले के लिए लाडोली में इतना सुंदर आयोजन किया गया हो, तो मेरी ओर से मैं कोई कमी रखना नहीं चाहती, लेकिन आप लोग आपकी ओर से कोई कमी मत रखिएगा। तो मैं चाहती हूँ दिल दिया है आप लोगों को गानी है, मुझे पता चले किन लोगों को आता है ये गाना। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन। देखिए आप गा नहीं सकते, जान दे पाओगे? इतना जिगरा है। भारत माँ को कौन कौन प्यार करता है वो हाथों को उठाए, क्योंकि जो मेरे देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोले भारत माता की, माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि क्या कहते हो कि देशद्रोही हमसे टकराएंगे, कि क्या कहते हो कि देशद्रोही हमसे टकराएंगे, वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, कि आज दुर्गा की बेटी ने तुझे ललकारा है, कि आज दुर्गा की बेटी ने तुझे ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। क्या बात है, अब थोड़ा थोड़ा आपका मन लग रहा है।
तुझ पे दिल कुर्बान है। आजाद कब से हो गया है, लेकिन आजादी की सांस अब हम ले रहे हैं। देश में चल रहे बदलाव, बहुत ही कुछ सपने जो हमारे पूर्वजों ने देखे। 495 साल बाद राम भगवान अपने राजमहल में विराजमान होने जा रहे हैं, ये कितनी दुख की बात है। भाई साहब आप नहीं मानोगे, मैं कल अयोध्या में मंदिर के दर्शन के लिए गई, एक तरफ तंबू में राम भगवान के दर्शन किए तो मन में मेरे आंखों में से आंसू आ गए, ये सोचकर कि इतने साल तक भगवान इस तंबू में विराजमान थे। मन बहुत ही दुखी हुआ, पूरा ग्रुप हमारा गया दर्शन, सब लोग दुखी हुए जब इस तरफ मंदिर में तंबू में भगवान को देखा। लेकिन जब नवनिर्मित न्यू मंदिर जो भगवान श्री राम का जो निर्माण हो रहा है उसकी तरफ नजर गई तो दिल इतना खुशियों से भर आया कि आप नहीं मानोगे कि अब लग रहा है कि हमारे भारत की दिशा और दशा बदलने वाली है। क्योंकि अयोध्या सिर्फ हमने रामायण में शास्त्रों में ग्रंथों में सिर्फ पढ़ा, अयोध्या कभी जाने का अवसर हम सभी लोगों को कभी मिला नहीं। मैं किसी हमेशा मंच के ऊपर कहती हूं मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मेरे देश के हित में जो सोचेगा मेरे देश के लिए जो काम करेगा हम उनके साथ हैं। मैं चाहती हूँ वो मंदिर पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, ऐसा मंदिर बनने जा रहा है और बन गया है राम मंदिर। मैं चाहती हूँ हमारे मोदी जी योगी जो अमित जी के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। अगर वो नहीं, ये बहुत ही असंभव कार्य था लेकिन संभव हुआ है तो देश में बहुत ही सारा बदलाव। देखिए कुछ बातें हमारे भारत में है जो बदलाव ला रही है, लेकिन बात करें पड़ोसी मुल्क की, हमारे देश के सैनिक कश्मीर में हिंदुस्तान की हर बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते हैं, ना तो अपना परिवार देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, 24 घंटे हिफाजत करते हैं। ऐसे सैनिक हम न्यूज़ में पेपर में बार बार देखते हैं कि आज इतने आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को मार दिया। हम उनको भी मारते हैं लेकिन हमारे तो जा रहे हैं ना, ये लड़ाई कई वर्षों से चलती आई है जो अभी भी तक भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मैं ये कहूंगी क्योंकि देखिए समय बदला है, समय पलटा है, तो हमने भी जवाब देना सीखा है। क्योंकि कमबख्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी हवा लगने पर अपनी औकात भूल जाते हैं। पाकिस्तान की हरकतें आज भी ऐसी की वैसी है, पले चाहे पहनने के कपड़े ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन भारत ही माँ है और भारत ने हमेशा सबको माफ किया है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि ए पाकिस्तान के क्या है तुम्हारी शान, के ए पाकिस्तान क्या है तुम्हारी शान, और तेरे लिए काफी है सिर्फ मेरा राजस्थान। गुजरात तक तो बारी ही नहीं आएगी, हमारे राजस्थान के युवा ही ऐसे है वो ही काफी है। मैं चाहती हूं अगर भारत माँ को आप जैसे लालों की जरूरत पड़े तो कौन कौन खड़ा रहेगा भारत माँ के आंचल के लिए। हाँ, क्योंकि इस लाडोली ने
इस लाडोली में ऐसे वीर सपूत शहीद हमारे दिनेश जी राणा जैसे कि यहाँ पर इस जन्म इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनका शेखावत परिवार, उस परंपरा के इस गांव के लोग इतने कमजोर नहीं होने चाहिए। मैं चाहती हूँ एक बार बड़े ऊर्जा के साथ बड़े भारत माता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान है, जो करे इनको जुदा मुझसे हम नहीं जान है, लाडोली के इस वीर सपूत अमर शहीद दिनेश जी भले ही चाहे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कितनी गौरव की बात है, इतने साल तक देश की सेवा की, ऐसे लोग उनको स्वर्ग का रास्ता मिलता है। और जहां तक मैं मानती हूं दिनेश जी स्वर्ग में ही हैं, तो उनका जो परिवार यहां पर बैठा है, गांव वाले जितने भी बैठे अतिथिगण, उनके परिवार के जितने भी लोग बैठे, तो कहीं ना कहीं मन में दुख भी है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दुख से ज्यादा आपको खुश होने की भी जरूरत है कि इस भारत माँ के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, इस मिट्टी में मिले तो खुशियाँ भी हैं। तो इस सत्संग को, इस देशभक्ति कार्यक्रम को इतनी मायूसी से मत लो आप, इतना गंभीर माहौल होकर इस कार्यक्रम को हमें नहीं करना है। मैं सही कह रही हूं, आप नहीं मानोगे मेरे आज की तारीख कितने सारे कार्यक्रम आए हैं, लेकिन मेरा यहां आना लिखा था। मैं ये मानती हूं आप और मैं हम कुछ नहीं है, कहीं पर जाने वाले बुनाने वाले भगवान होते हैं, आप एक जरिया हो सकते हो। दिनेश जी के जीवन के बारे में अगर मुझे कुछ गायन का ये अवसर मिला है, और मैं चाहती हूँ आज की शाम और कल का दिन हमारे जीवन, हमारे हिंदुस्तान का ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ये दिन को हम कभी भूल नहीं सकते, इस रात को हम कभी नहीं भूल सकते। तो दुगनी खुशियां हैं, तो कोई भी स्टैचू की तरह ऐसे मूर्ति बनकर मायूस होकर टेंशन होकर चिंता कर आज की देशभक्ति गायन नहीं करें। मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत ही शोर शराबा, थोड़ा हल्ला, थोड़ा नाचते हुए ये जो शाम, ये जो रात है, जीवन में वापस नहीं आने वाली। दिनेश जी ऊपर होंगे लेकिन यहाँ हमारे साथ है, उनकी रूह, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं, उनके परिवार सब लोग कहीं ना कहीं ये देख रही होगी कि आज मेरे जाने के बाद भी मेरे बेटों ने, मेरे बहू ने, कि मेरी पत्नी ने, इन परिवार वालों ने, इन गांव वालों ने इतना मुझे यहाँ पर मान पान सम्मान दिया है। तो उनको खुश करने के लिए पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। इतना टेंट लगा, साउंड लगाया, हमें बुलाया, आप सभी लोगों को बुलाया, ये काफी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ लाडोली के युवाओं को भी, परिवार के भी, भाइयों को भी, सभी लोग नाचते हुए गाते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करोगे ना, तो वो चार चांद लगेंगे, क्योंकि वो एक शेर था, वो एक शेर था, और शेर को हमेशा श्रद्धांजलि 56 इंच के सीने की तरह देनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ थोड़े युवा जरा जोशों के साथ देशभक्ति मेरे साथ करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि भजन भजन के तरीके से होता है और देशभक्ति देशभक्ति की तरह से होती है। तो अगर कहीं पर भी नाचने की इच्छा हो जाए, ये इतने सारे कैमरे लगे हुए, YouTube लाइव चल रहा है, देख लीजिए, सबको पता है कि लाडोली में एक कार्यक्रम है। अब आपके गांव का अच्छा कैसा लगाना है वो आपको देखना है। ये देश है वीर जवानों का, मेहनत करनी पड़ रही है, देख लीजिए। एक मिनट भाई साहब आप खड़े रहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी भारत देश के कायर तो नहीं हूं, कायर हूं, देश को प्यार करते हूं, राम भगवान को प्यार करते हूं,
तो एक बार खड़े हो जाए हमारे युवा, यहाँ आ जाए अंदर बॉर्डर, सारे जो नाचने वाले वही खड़े, सारे खड़े नहीं हो, यहाँ अंदर आ जाए, क्योंकि कार्यक्रम की थोड़ी सी, हमारे बाबू जी पहले खड़े हो गए। ये देश है वीर जवानों का, बाबूजी को अंदर ले लो। जहां छोड़ी जाती वीरों की, दुश्मन के लिए आप लोग इतने दूर मत खड़े रहो, ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर बना दिए हैं, ये भारत है और वो बांग्लादेश है। आ जाओ, देखिए आज के इस मोबाइल के युग में बाबूजी थोड़े हिंदी तो ठा पड़े, क्योंकि मारी मारवाड़ी भाषा गोडवाड़ी भाषा है, मु मारवाड़ी बोलूला तो आपने ठा नहीं पड़ेला, हिंदी समझ में आवे आवे। देखिए आज के इस मोबाइल के युग में सभी लोगों के पास मोबाइल है, बेटा कमाता हो कि नहीं कमाता लेकिन मोबाइल जरूर रखेगा। मुझे बताएं मोबाइल तो सबके घरों में, तलवार किन किन के घर में है, क्या बात है, कम लोगों के पास है। हो सके तो आप तो राजपूत हो, और राजपूतों के घर में तलवार होना ऐसा हो ही नहीं सकता, तलवार जरूर खरीद के रखिए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं, कब दुश्मन आ जाए तो उनके शीश काट कर हाथ में दे दिया जाए। दिल भर के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए तलवार, मैदान में अगर हम आ जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। मैंने लगा बसंती चोला, लगा बसंती चोला मेरे देश के लिए। जी हाँ,
और देखिए अब जब आप लोगों में थोड़ी सी ऊर्जा और थोड़ा सा माहौल मुझे मिलाएं, ए प्रीत जहां की रिश्ता भारत की बातें सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बातें सुनाता हूँ। ए प्रीत जहाँ की रिश्तेदार, ए प्रीत जहाँ की रिश्तेदार, मैं गीत वहीं की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बातें सुनाता हूँ, भारत का भारत की बात सुनाता हूँ। हो आतुशुर गानी शर्मावे, आतुशुर गानी शर्मावे, चिपटे मृबणी गावे, जीरो यश नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ओ आतुशुर गानी शर्मावे, फिर परदे मृबणी गावे, जीरो यश नर नारी धोरारी, धरती धोरारी। सूरज कड़ कड़ में चमकावे, सूरज कड़ कड़ में चमकावे, चंदोई मेरे तेरे से भर जावे। ओई रोज नरी नारी गावे, धरती धोरारी, आतुशुर गानी शर्मावे, चिपटे मृबणी गावे, जीरो यश नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। मेरे देश की धरती, ये जो बिल्ले लगा के बैठे हैं, मैं मानती हूँ ये जो वीआईपी जगह होती ना, उनका मजबूताई बहुत ही अच्छी होती है, वो फील आता है।
लेकिन कभी अपने आप की हस्ती को मिटा कर देखो। मैं वही कह रही हूं क्योंकि मैं गा रही हूं ना, तो मुझे आप लोग बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे। एक बार आ जाए, अगर मैं इतनी दूर से आई हूं, इतना लंबा सफर तय करके लाडोली के गांव में पहली बार आई हूं, मैं चाहती हूं इस बहन की थोड़ी सी थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। आनंद आप लोगों को, मैं तो रोज आनंद करती हूं। आ जाए एक बार। इनको कुछ पसंद आए ऐसा गाए ना, ये हर किसी में नाचेगे नहीं ऐसा लग रहा है।